करते हैं यूपी उपचुनाव में इसकी बानगी देखने को मिली है, आपको भी दिखाते हैं क्योंकि चुनाव का जो दौर है वो जारी है और महाराष्ट्र और जिस तरीके से झारखंड में चुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, उसके बाद ये तस्वीरें हैं कि आखिरकार नेता चुनाव के वक्त क्या कुछ करते हैं, किस तरीके से अलग अलग हथकंडे जो है अपनाए जाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कानपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर जो है सपा प्रत्याशी नसीम पहुंची थी मंदिर में दिवाली के दिन और यहां पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था उन्होंने और विधानसभा सीट पर सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी दिवाली पर शिवलिंग पर जल चढ़ाती नजर आई और उसके बाद उन्होंने दिए लगाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की और ऐसे में उनकी इस पूजा अर्चना के जो चर्चे थे न केवल सियासी गलियारों में गूंजे बल्कि मौलवियों तक भी जा पहुँचे थे। दरअसल कुंदर की विधानसभा में मुस्लिम आबादी 60% से भी अधिक है, कुंदरकी में उपचुनाव होने वाले हैं, कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन वाला बोर्ड अभी तक नहीं देखा है लेकिन ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखिए कैसे कुंदरकी से बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह कंधे पर रुमाल और सिर पर जालीदार टोपी पहने दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ने वोट देने के लिए मुस्लिमों को खुदा की शपथ दिलाते भी नजर आए और बताया कि मुरादाबाद में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी को टोपी पहनाई गई, यानी चाहे कानपुर हो या मुरादाबाद वोट के लिए कुछ करने को नेता तैयार हैं। देखिए चुनाव नजदीक आ चुका है, इस क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ा पांडे के और जो सदर ब्लॉक में चार गांव लगते हैं उसके और जो भोजपुर गांव भगतपुर गांव में ब्लॉक में गांव लगते हैं उसके लोगों ने एक सामूहिक बैठक रखी थी। संख्या बल आप देख ही रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग थे और ये लोग की वोटर थे, ये कोई आम पब्लिक नहीं थे। तो इन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया, ये सब स्वयं इकट्ठे हुए, अपने आप इकट्ठे हुए और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और जो सपा सरकार में बसपा में जो जास्तियाँ यहाँ के लोकल लीडरों ने इनके साथ उन जानकारियों को तमाम वक्ताओं ने याद दिलाया और जब उन जानकारियों को इन्हें याद दिलाया, उन जुर्मों को जब याद दिलाया तो लोगों ने भावुक हो गए लोग और हर आदमी के चेहरे पे खुशी थी, कोई मजबूरी नहीं थी। आपके सामने हमने पूछा ना कि आप अपनी मर्जी से हो या किसी की बुलाने पे हो या किसी की व्यस्तता से हो। कल को लोग कहने लगे उनके कि साहब ये तो सरकार ने लोगों को इकट्ठा कर लिया, सरकार के दबाव में लोग आ गए, तो पूछा था ना, पूछा था तो कोई सरकार के दबाव में नहीं आया, अपनी मर्जी से लोग आए और उन्होंने हमारे साथ अपना यकीन अपना भरोसा हमें दिलाया है और हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस ये जो सीट है, ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेगी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करेगी। वहीं इससे पहले कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी का मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ था, इससे के बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया तो हिंदू संगठनों ने पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ किया। देखिए इस रिपोर्ट पे। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की शिव भक्ति पर बवाल हो गया। इन दो तस्वीरों में देखिए कैसे वो जल चढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके जाने के बाद मंदिर धुला गया। देखिए कैसे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और सपा प्रत्याशी नसीम ने दिवाली पर जिस मंदिर में जल चढ़ाया था उस मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण किया। दरअसल नसीम सोलंकी ने दिवाली के दिन शिव मंदिर में पूजा करने के बाद दीप जलाए थे, उन्होंने शिव मंदिर में जल भी चढ़ाया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल उठने लगे। देखिए कैसे पुजारियों ने 1000 लीटर गंगा जल मंगवाया, इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग पर छिड़का गया, पूरा परिसर भी धोया गया। मंदिर में जल चढ़ाकर नसीम सोलंकी बुरी तरह फंस गई हैं।
जलाभिषेक पर मौलाना भड़क गए हैं। नसीम सोलंकी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना मना है। नसीम सोलंकी को तौबा करनी चाहिए, उनको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। एक और नसीम के जल चढ़ाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ तो दूसरी तरफ फतवा जारी कर दिया गया। इस पूरे विवाद पर सपा प्रत्याशी नसीम बोली, प्रचार के दौरान जो कोई कहता है वहां जाती हूं। हम जब कल मंदिर गए थे तो हमारा कोई मकसद नहीं था किसी को ठेस पहुंचाने का, और खासतौर पे हमारे उलमाए मौलाना साहब लोगों को, तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। उनका फतवा आया तो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि उनका दिल ना दुखे, और जो उन्होंने बोला उस चीज़ का हम आगे ख्याल रखेंगे। अच्छा, इस जो मंदिर का में जब आप जल अभिषेक वगैरह करने गई थी वहाँ बनखंडेश्वर में, इसको लेकर सियासी तूल दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम वहाँ पर पहले बात तो ये साफ हम कर दें कि हम वहाँ जल वो नहीं करने गए थे। मंदिर ट्रस्ट ने दलील दी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मंदिर का इस्तेमाल गलत है, इससे हमारा मंदिर अपवित्र हुआ है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो एक मुस्लिम महिला है, उन्होंने मंदिर आकर जलाभिषेक किया है। नसीम सोलंकी अगर हिंदू धर्म अपना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि इरफान सोलंकी तो कभी मंदिर के अंदर नहीं आए। आज सुबह क्या किया गया यहाँ पे? आज सुबह एचनी जी जो प्रत्याशी हैं सपा की, उन्होंने दीपावली अमावस्या वाले दिन जलाभिषेक किया और दीप जलाए। इस कार्य को लेकर भक्तों में बड़ा आक्रोश हो गया। हिंदू भक्त जितने भी हैं, शंकर जी के भक्त हैं, तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इरफान सोलंकी जी भी कभी मंदिर की राजनीति उन्होंने नहीं की। आते थे बाहर ही बाहर, अपना आते थे, उनके पिताजी भी आए बाहर आए, कभी मंदिर के अंदर नहीं आए। और प्रत्याशी जी की क्या मंशा रही जो उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश करने का साहस किया। कुल मिलाकर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी की भक्ति पर बवाल है, क्योंकि वो वोट के लिए मंदिर गई, जल चढ़ाया, लेकिन ये उनके लिए मुसीबत बन गया। देखने वाली बात ये होगी कि मंदिर वाला दांव उन्हें जिताता है या हार का मुंह दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्तों में दरार आ चुकी है। गैस पाइपलाइन सौदे को लेकर विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ गया है।